अलका पंजौर वासियों को ये बताना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि चेयरमैन साहब आप झाड़ू लेके ये झाड़ू लगा रहे थे, तो मुझे बड़ी इस चीज के ऊपर हंसी आ रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जो काम होने चाहिए वो काम ये करवा नहीं रहे। जहाँ एक रास्ता छोटी सी बरसात की वजह से वो रास्ता गिर गया, वो आज मेरे ख्याल पे 10 दिन हो गए उसको, वो लोगों की कनेक्टिविटी टूटी हुई है, किसी के घर में जाने आने का कोई रास्ता नहीं है। मैं वहां 2 बार जा भी आया हूँ और एमसी साहब भी वहां गए, और एक दिन मुझे उन्होंने बताया कि एसडीएम साहब भी वहां आए थे। तो एसडीएम के पास तो पावर होती है वो जो ऐसे रास्तों को वो बनाने की, जो इमीडिएटली वो बना सकते हैं। तो मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है कि सरकार और प्रशासन कालका दे नाल बेइंसाफी कर रहा है, कि मुझे इस चीज पर बहुत ये महसूस होता है कि ये नहीं होना चाहिए। आप देख लो, छोटी सी बरसात आई थी और पंजौर से लेके कालका तक पूरा जो पानी था बरसात का, वो मतलब दुकानों के अंदर चला गया, दुकानों वालों का सामान खराब हो गया। वहां नीचे पूरे स्ट्रीट लाइट कोई नहीं जल रही, और आप गलियों में जाओगे तो गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। सफाई का कोई मेन इनका प्रबंध बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते सारे टूटे पड़े हैं, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। अब ये कर्णपुर वाली सड़क ले लो, मड़ा वाला से ऊपर बाबा हरिपुर को सड़क जाती है, वो टूटी पड़ी है। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप ये तो मैं मेन बता रहे हैं, पूरे कालका पंजौर के अंदर विकास नाम की कोई भी चीज नहीं है। ऊपर सेंटर में सरकार इनकी है, हरियाणा में सरकार इनकी है, 9 साल हो गए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 9 साल हो गए। 9 सालों के अंदर विकास नाम की कालका पंजौर के अंदर कोई भी चीज नहीं है।